सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माई चैनल एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियर। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग को सभी को पता है कि हम सिविल के सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसा कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो यूनिट वन और यूनिट टू का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 4 नंबर वाला भी और 6 नंबर वाला भी, मैंने अपलोड किया था कल ही और उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को विजिट करके वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इससे पहले वाला वीडियो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। चलिए बात करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो यूनिट वन और यूनिट टू है, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितना नंबर का कौन सा क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को सिविल के सारे अपडेट पाने के लिए, सिविल नहीं सिविल की सारे ब्रांच के सारे अपडेट पाने के लिए। तो और आप लोग को मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आप लोग पेन पेपर लेके बैठिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारा है तो आपको लिखना पड़ेगा। कम से कम आप क्वेश्चन लिख लेंगे, सॉल्यूशन खुद से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का यूनिट वन का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप बी, यानी 4 नंबर जो क्वेश्चन होता है उसको बोलते हैं ग्रुप बी। इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट वन से, ये यूनिट वन का बात हो रहा है, यूनिट टू का हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। चलिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार रिपीट होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तो एक ही ईयर लिखा हुआ है बट यहाँ पे 2015 में आया है, फिर 2019 में आया है और 2017 में भी आया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन और उम्मीद है इस बार भी आए। तो आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से इस क्वेश्चन का कीजिए और इसका सॉल्यूशन के लिए आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला देख सकते हैं आप लोग साइज एंड शेप के बेस पे है, दूसरा कलर, टेक्सचर एंड कॉम्पैक्टनेस, हार्डनेस एंड साउंडनेस, वाटर एब्जॉर्प्शन और क्रशिंग स्ट्रेंथ। ये चारों पांचों पॉइंट जो है ये इसका आंसर है, इसके डिटेल में दिया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कंपोजिट स्ट्रक्चर विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका आंसर आप लोग जरूर देख ले, इसका आंसर हमने यहाँ प्रोवाइड किया है, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, आप लोग लिखते जाइए, अगर नहीं हो रहा है तो पाउच करके आप लोग लिख लीजिए वीडियो और स्क्रीनशॉट ले ले आंसर का। देखिए, डिफाइन स्किल एंड लिंटल गिविंग ए नीट स्केच। अब देखिए इसमें क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको आएगा कि नीट स्केच बनाना है, यानी कि डायग्राम बनाना है प्लस उसका जो ये इसका आंसर है ये लिखना है, तो इसमें भाई मार्क्स का वेटेज होता है, ठीक है, वेटेज होता है मार्क्स। जैसे कि आपको ये जो बनाया आपने, ये जो लिखा आपने, इस पर 2 नंबर मिलेगा आपको और ये जो पिक्चर है इस पर भी 2 नंबर मिलेगा। तो आपने अगर सिर्फ आपको ये थ्योरी याद है, थ्योरी लिख दिया तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, बट अगर आपने दोनों चीज़ बना दिया तभी आपको 4 नंबर मिलेगा। इसलिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें और प्रैक्टिस जरूर कर ले फिगर का, जितने भी फिगर आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, सोर्स नोट्स। आप लोग को जैसा कि पता है ग्रुप बी का जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक सेक्शन होता है, एक क्वेश्चन होता है लास्ट में, इसमें राइट शॉर्ट नोट रहता ही रहता है, उसमें 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ऐसे करके 1 2 3 करके दिया रहेगा और आपको उसको शॉर्ट्स नोट्स में डिफाइन करना है। तो यहाँ पर हमने 3 सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स नोट्स लिया है, जो कि पहला है क्वेरिंग ऑफ स्टोन, दूसरा है ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, तीसरा है आर्टिफिशियल और कास्ट स्टोन। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप सबने पढ़ा होगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए पहला देखते हैं यहाँ पे क्वेरिंग ऑफ स्टोन। जैसा कि क्वेरिंग ऑफ स्टोन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, क्वेरिंग स्टोन का यहाँ तक है, उसके फिर ड्रेसिंग ऑफ स्टोन की बात करें, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन का भी हमने आंसर प्रोवाइड यहाँ पे किया हुआ है और ड्रेसिंग ऑफ स्टोन के बाद है यहाँ पे आर्टिफिशियल स्टोन या कास्ट स्टोन किसे कहते हैं, इसका भी यहाँ पे सॉल्यूशन आप लोग को मिल गया है। तो आप लोग जल्दी से यहाँ पे आप लोग देख ले इसे सॉल्यूशन और लिख भी सकते हैं आप लोग वीडियो पॉज करके, बट मैं रिकमेंड करूँगा स्क्रीनशॉट ले ले क्योंकि टाइम कम है आपके पास, टाइम को बचाना है यहाँ पे, टाइम सबसे बड़ा चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वां नंबर है, व्हाट आर कंपोजिशन ऑफ क्ले ब्रिक। ये क्वेश्चन भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्ले ब्रिक्स का क्या क्या कंपोजिशन है, आप लोग जैसे ब्रिक्स का टाइप्स पता होगा उसका कंपोजिशन क्या क्या है, जैसे इसमें होता है सेल होता है, एल्यूमिना, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, ये है इसका कंपोजिशन और इस कंपोजिशन का क्या फंक्शन है, ये क्या चीज़ ये प्रेजेंट होकर क्या प्रोवाइड करता है ब्रिक्स को, क्या वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्या ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो भी करता है उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक यहाँ पे और है, लाइम और मैग्नीशिया पोटास और सोडा, इतना इसका कंपोजिशन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन जो है हमारा है यहाँ पे, ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट हॉलो ब्रिक एंड फ्लाई एस ब्रिक। अब देखिए ब्रिक्स का बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आप लोग सबको जानते हैं। इसमें से दो टाइप हैं, हॉलो ब्रिक्स और यहाँ पे हैं जिसको हॉलो ब्रिक्स को हम लोग बोलते हैं बर्नट क्ले, ठीक है, बर्नट क्ले हॉलो ब्रिक्स। और दूसरा जो है फ्लाई एस ब्रिक्स। फ्लाई एस ब्रिक्स आप लोग सभी को जानते होंगे, एस से जो ब्रिक्स बनता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो दोनों का यहाँ आंसर मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी ले ले। यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट के लिए प्रोवाइड कर दिया है यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन एक पेज में, स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब हम लोग बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ मोर्टार। आप लोग याद रखेंगे ये जो क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये चार नंबर वाला है। क्या है? चार नंबर वाला है ये क्वेश्चन। तो चलिए सेवन नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ मोर्टार, यानी कि मोर्टार जो है कितने टाइप में डिवाइड हुआ है, मोर्टार कितने टाइप में डिवाइड हुआ है, उसका डिटेल यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया हुआ है सॉल्यूशन, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने सारे सिविल के दोस्तों के साथ शेयर करें। थर्ड सेमेस्टर का ये टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डिफाइन टिम्बर, व्हाट आर द यूजेस ऑफ टिम्बर इन बिल्डिंग। अब टिम्बर का क्या यूज है और टिम्बर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। आगे हम लोग देखते हैं टिम्बर, डिफाइन टिम्बर, व्हाट आर द यूजेस ऑफ टिम्बर इन बिल्डिंग। टिम्बर क्या होता है और इसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या यूज है, बिल्डिंग जो बनाते हैं उसमें क्या यूज है। तो आप लोग सभी को जानते होंगे टिम्बर किसे कहते हैं, टिम्बर इज अ वुड दैट इज यूज फॉर बिल्डिंग हाउस फॉर मेकिंग फर्नीचर। हमारे सबके घर में होता है फर्नीचर, टेबल चेयर विंडो का चौखट एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे फर्नीचर हैं, तो सब किससे बने होते हैं, टिम्बर बने होते हैं। और इसका क्या यूज है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, तो आप लोग सबको अपने मन से भी इसका आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहां से अपना नोट डाउन कर सकते हैं हमारा आंसर। तो जैसे यूजेस ऑफ टिम्बर यहां पे मैंने बताया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाइन्थ नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टिम्बर। अब बात आता है टिम्बर के बारे में, तो हम लोग जान गए क्या होता है, उसका क्या यूज है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, बट इसका कौन सा गुड टिम्बर। देखिए कोई भी चीज होता है उसका दो एस्पेक्ट्स होता है, हमारा एस्पेक्ट्स नहीं है, चीज का दो एस्पेक्ट होता है, एक होता है गुड एस्पेक्ट्स एक होता है बैड एस्पेक्ट। तो कौन सा गुड टिम्बर होता है, कौन से टिम्बर को हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए सूटेबल मान सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए सारे टिम्बर सूटेबल नहीं होते हैं, कुछ ही टिम्बर सूटेबल होते हैं, तो कौन से ऐसे हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे आप लोग को दिखाया गया है। तो इसे जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर ले और ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से इसका आंसर कर पाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप्स इन यूज इन हाउस ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज हर एक घर का होता है ड्रेनेज सिस्टम, उसमें कितने तरह के पाइप यूज होते हैं। कोई ऑनर अगर घर बना रहता है तो कोई कोई सा पाइप चूज करता है, कोई दूसरा पाइप चूज कर सकता है, तो कितने टाइप के पाइप होते हैं, तो इसका भी मैंने यहाँ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आप लोग जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले ले या लिख ले, नोट डाउन कर ले, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा ग्रुप बी, यानी कि हमारा चार नंबर क्वेश्चन का सेक्शन हो गया है खत्म यूनिट वन का। अब बढ़ते हैं हम लोग किस में, अब बढ़ेंगे हम लोग ग्रुप सी में। ग्रुप सी यानी कि एक क्वेश्चन जो है छः नंबर का वेटेज रखता है, कितना नंबर का, छः नंबर का वेटेज रखता है। चलिए इसमें भी मैंने पांच क्वेश्चन यहाँ पे चैप्टर वन से प्रोवाइड किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देख लेते हैं। डिस्क्राइब डिफरेंट बिल्डिंग कंपोनेंट एंड देयर फंक्शन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 18-19 दोनों में पूछा गया है, और आप लोग क्वेश्चन बैंक भी चेक कर सकते हैं अपना, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना अगर आप चाहते हैं कि आपको छः नंबर आए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे बिल्डिंग का डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है, उसका फंक्शन क्या है। इसका आंसर थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। आई होप आपको पूरा विंडो यानी पूरा स्क्रीन आ रहा होगा आपके सामने, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। आप लोग जानते हैं दो स्ट्रक्चर हमारे बिल्डिंग जब बनते हैं, दो स्ट्रक्चर में बनते हैं, एक होता है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, एक होता है फ्रेम स्ट्रक्चर, यानी पहले फ्रेम बना के पिलर डाल के उसके बाद उसको वॉल सिर्फ ऐसे एज ए पर्दा के रूप में डाल देते हैं, ठीक है, ताकि ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी मेंटेन रहे, सारा
लोड किस पे रहता है, इस पे रहता है। तो चलिए आगे इसका दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, ये डिफरेंस के लिए एक टेबल मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से इसमें डिटेल दिया गया है कि थिकनेस कितने होते हैं, फ्लोर एरिया होते हैं या नहीं होते हैं, कितने होते हैं, लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज्म, नंबर ऑफ स्टोरी, कितना स्टोरी बन सकता है लोड बेयरिंग में और कितना स्टोरी बन सकता है फ्रेम स्ट्रक्चर में। तो एवरीथिंग डिटेल आपको यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज कन्वेंशनल ब्रिक्स एंड स्टैंडर्ड ब्रिक्स, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशनल ब्रिक्स और स्टैंडर्ड ब्रिक्स क्या है, इसका पूरा डिटेल, इसका डायग्राम विथ डायग्राम आपको क्या है, इस ब्रिक्स के बारे में आपको जानना है, तो इस ब्रिक्स के बारे में जान के आपको इसके एग्जाम में लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन भी आपके सामने है, आप लोग देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं, या आपसे क्वेश्चन नोट्स कर ले, आपको आंसर जो है क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा ऑलमोस्ट आंसर, जो नहीं मिलेगा आपको उसका फिर आप वीडियो खोल के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे यूनिट वन से छः नंबर के सेक्शन में, कि राइट द फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मोर्टार, मोर्टार का डिफरेंट टाइप्स हम लोग ऊपर में पढ़े थे चार नंबर वाले में, तो इसका क्या फंक्शन है, फंक्शन क्या है और इसके कितने प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसके, तो ये मोर्टार के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर आप लोग को मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग प्रॉपर्टीज़ मिल गया और फंक्शन मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फिफ्थ नंबर, व्हाट आर द कॉमन डिफेक्ट्स इन टिम्बर, एक्सप्लेन ईच इन ब्रीफ। अब देखिए टिम्बर के बारे में हमने पढ़ा था ना कि कितने टाइप्स के टिम्बर होते हैं, गुड टिम्बर कौन सा होते हैं, बैड टिम्बर कौन सा होते हैं, तो इसमें डिफेक्ट आते हैं टिम्बर्स में जो है कुछ कुछ सारे, मैंने आपको बताया ना टिम्बर जो है सारे सूटेबल नहीं होते कंस्ट्रक्शन के लिए, उसमें कुछ में डिफेक्ट आ जाते हैं। अब डिफेक्ट क्यों आते हैं, कितने टाइप के डिफेक्ट होते हैं, एवरी डिटेल आपको इसी के आंसर में मिलेगा। जैसे देख सकते हैं आप लोग, डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन, डिफेक्ट ड्यू टू फंगी, डिफेक्ट ड्यू टू इंसेक्ट, डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल फोर्स, डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, सारे चीज़ आपको इसी वीडियो में अवेलेबल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे अब यूनिट वन हो चुका है कंप्लीट हमारा, तो अब आते हैं हम लोग यूनिट टू पे। यूनिट टू में भी बहुत सारा क्वेश्चन है, यानी उसमें भी ग्रुप वाइज हमने डिस्क्राइब किया हुआ है और उस सारे क्वेश्चन को अभी ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो अब बात करते हैं हम लोग यूनिट टू, यानी जो हमारा यूनिट टू जो है, यूनिट टू का क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोनों सेक्शन में, ग्रुप बी में भी और ग्रुप सी में भी, यानी कि चार नंबर वाले में भी और छः नंबर वाले में भी क्या आपको इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ग्रुप बी का जहाँ बात करें चार नंबर वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है पहला क्वेश्चन जो है हमारा, डिफाइन जॉब लेआउट विथ इट्स प्रिंसिपल, जॉब लेआउट क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा, व्हाई अर्थवर्क इज़ रिक्वायर्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अब अर्थवर्क क्यों रिक्वायर्ड होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट्स जरूर कर ले, इसका सॉल्यूशन आपको सामने में दिख रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन में, तो टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है, आगे देखते हैं। स्टेट द मटेरियल यूज फॉर प्लिंथ फाइलिंग, प्लिंथ का फाइलिंग में कौन सा मटेरियल यूज होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, और या फिर आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि आपको चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, अब बोला जाएगा इसमें से कौन सा मटेरियल यूज होता है प्लिंथ फाइलिंग, इसमें एक सही होगा तीन गलत होगा, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट डाउन कर ले। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, डिफाइन फाउंडेशन, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफाइन फाउंडेशन स्टेट वेरियस पर्पस ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन क्या होता है, इसका पर्पस क्या है फाउंडेशन का, बिल्डिंग में अगर हम लोग फाउंडेशन डाल रहे हैं तो उसका क्या पर्पस हो सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो इसका टाइस भी हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे छः नंबर वाले में। पांचवा क्वेश्चन जो है हमारा, व्हेन डू वी यूज पाइल फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन का यूज हम लोग कब करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो ये क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका सॉल्यूशन नीचे दिया गया है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात आते हैं हम लोग करते हैं ग्रुप सी, यानी छः नंबर क्वेश्चन वाले। यूनिट टू में ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, कम ही क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे जरा पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से देखिएगा।
आगे बढ़ते हैं हम लोग ग्रुप सी में। तो ग्रुप सी का ऐसा है ना कि ग्रुप सी में 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है और पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ जॉब लेआउट फॉर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। यानी लोड बियरिंग स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाते हैं उसमें जॉब लेआउट डालने का क्या मेथड है, क्या मेथड है इसका डालने का। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, आप लोग इसका देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आप इसी का डायग्राम भी नीचे में है, ये भी देख सकते हैं आप, और मेथड वेरियस मेथड है। चलिए आगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ डी वाटरिंग ऑफ ट्रेंच। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे पढ़ सकते हो। डी वाटरिंग ऑफ ट्रेंच किसे कहते हैं और इसका मेथड क्या है, इसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं। डी वाटरिंग ऑफ ट्रेंचेज बाय कंस्ट्रक्शन द ड्रेन एंड सम्स, इसका सारा सॉल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। ये एक पेज हुआ इसका, और दूसरा यहाँ पे आपको ये देखिए इसका सारा सिस्टम है, और इसे आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखते हैं हम लोग, ये जो तीसरा को नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। मैंने आपको बताया था कि फाउंडेशन अगर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका टाइप्स ऑफ फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और ये क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। तो इसे आप लोग जल्दी से आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, इसका सॉल्यूशन यहाँ तक है, आप लोग जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सके। सो चलिए, ये था हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का यूनिट 1 और यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू इतना दूर हमारा वीडियो देखने के लिए, और अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं तो आपको हमारा कंटेंट जरूर अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दे हमारा ये वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऑल अपडेट पाने के लिए। और अगर आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं ऑल तरह के अपडेट पाने के लिए और PDF मटेरियल पाने के लिए। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू हमारे साथ बनने के लिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड।